जलंधर के एक स्कूल में 10 फीट लंबा अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। बच्चे सुबह तैयार होकर पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंचे तो अजगर पहले ही क्लासरूम में था, इससे वहां शोर मच गया। बच्चे डर के मारे बाहर निकल आए। इसके बाद तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। उन्होंने पहले हाथ से ही अजगर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने स्नेक कैचर से पकड़ लिया और वन विभाग वाले उसे अपने साथ जंगल में छोड़ने के लिए ले गए। सवेरे जो आए जी स्कूल खोलिया तो बच्चों ने दसिया कि एट्थ वाले कमरे के टाइलों का काम चल रहा है, फर्श का तो दरवाजे खुले थे। कॉर्नर के बैठा हुआ तो बच्चों ने दसिया कि कॉर्नर बैठा हुआ, फिर बच्चे सारे क्लासा बिठा के तो मैं वो थोड़ी निगरानी रखी कि जिते है उत रहे। फिर सरपंच साहब को कॉल की तो सर आए, इन्होंने हूँ रेस्क्यू किया तो धन्यवाद इन्हों का, बहुत बहुत कर दे, कोई जानी माली नुकसान होने बच गए। परमिंदर सिंह एस एस मास्टर जी एम एस जांदल। सर सू साडे अपने ब्लॉक ऑफिसर का गुरजीत सिंह का फोन आया जी कि जांदले स्कूल के ना जी कोई सरपंच साहब वालों कॉल आई होने हैं, कोई इंडियन रॉक पाइथन सीगा जी, तो असी हूँ आके मौके पर इनू रेस्क्यू किया जी, तो इस बाद इनू जंगल से रिलीज करांगे जी। और जी रेस्क्यू करने वास्ते की गल्लां दा ध्यान रखा जाता है, की मुश्किल का सामना करना पे क्योंकि स्कूल है? सर एक तो पहले तो यह असी हरेक नूं यही अवेयर करीदा भी कोई भी मतलब इदा दा एनीमल वाइल्ड एनीमल है, स्नेक है जां पाइथन है, सानू कॉल करो, तो उस तों बाद प्रकोशन जरूरी है जी कि साढ़े आने तों पहलां उहनूं छेड़िया ना जाए, जिथे हैगा उत्थे उहनूं मतलब बैठे आ जां जिथे भी उहदी लोकेशन हैगी है, तो वो बाद आप देख के लोकेशन देख के अपने हिसाब से रेस्क्यू करी जी। मुशक्कत की करनी पी जी, की मुश्किल? मुशक्कत इदा जी भी पॉइजन वाला एनीमल है जी, थोड़े सामने जो रेस्क्यू किया जुर्म भी छड़िया पिछे सारा मतलब, तो बड़े उन्होंने क्वेश्चन के नाल ही रेस्क्यू किया जी। कि बड़ा सीगा जी, कि उम्र का सीगा, हूँ अगर की किया जाएगा इनू? सर हूँ पकड़ के जंगल के मतलब रिलीज़ किया जाऊगा अपने वाइल्डलाइफ सेंचुरी। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਫੀਡ ਦੇ ਲਈ।